जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बुढ़ापा पेंशन को लेकर के धोने बदलाव आ चुके हैं। पेंशन कटने में बिजली बिल बन रहा है मुसीबत। परिवार पहचान पत्र PPP में आए सत्यापित ही नहीं बल्कि बिजली भी PPP धारकों के लिए चुनौती बन गया है, आप लोगों के लिए चुनौती बन गया है। और बिजली कनेक्शन को हटवाएं या बिजली मीटर को बंद करवाएं, और BPL व आयुष्मान कार्ड के लिए जो शर्तें बनाई हैं, इन नियमों को लोगों के लिए पूरा कर पाना मुश्किल हो गया है। जहां शर्तें लोगों के लिए गले की फांसी का फंदा बन गई हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बिजली बिल की समस्या है। कारण है कि आजकल सामान घर में 1000 से 1500 के बीच बिल आना स्वाभाविक है। PPP धारक बोले कि अगर घर में कूलर पंखा तथा उपकरण चलाएं तो मीटर चलेगा, इसका बिल भी आएगा। और बिजली बिल इतनी महंगी है तो हमारा क्या कसूर है? बिजली बिल भरते हैं तो समस्या नहीं, भरते हैं तो समस्या। एक घर में 2 से 3 परिवार एक साथ रहते हैं और उनका मीटर भी एक लगा है, मगर सभी की फैमिली आईडी अलग अलग है। इनमें से में से एक BPL कार्ड बन गया है तो दूसरे का कुछ नहीं बना है। और कुछ दृष्टिहीन व दिव्यांग बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे जो हैं जो दिव्यांग पेंशन बुढ़ापा पेंशन लेकर अपना घर का गुजारा चला रहे हैं, उनकी आय भी 2.5 से 5 लाख रुपए का दिखाकर कमाऊ बन गया था। दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ।